हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। आइडियल ट्रांसफार्मर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिर हम लोग कैसे उन एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को रूल आउट करते हैं और हम लोग एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और उसके कुछ क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर मेरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्शन डिवाइस, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ट्रांसफार्मर को हम लोग कंस्ट्रक्शन और वोल्टेज प्रोफाइल के बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज प्रोफाइल के केस में, तो हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वेयर दी आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। फिर आता है मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वेयर इज आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज। फिर आता है मेरा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर वेयर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है जनरेशन के एंड पे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मेरा यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे, और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जनरली यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का एक्सपेंशन करते हैं या कोई ऐसा हम लोगों को करना है कि दो सर्किट्स को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना है, वहां पे हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं इसको। पहला आता है कोर टाइप, दूसरा आता है शेल टाइप। ये स्ट्रक्चर है मेरा कोर टाइप का, ये स्ट्रक्चर है मेरा शेल टाइप का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि यहां पर वाइंडिंग्स ऐसे उंडेड रहते हैं और इसमें वाइंडिंग्स ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये एक एंड वाइंडिंग का, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा। अब जिस साइड हम लोग सोर्स लगाते हैं वो साइड मेरा क्या हो जाता है? प्राइमरी साइड हो जाता है। और जिस साइड हम लोग लोड लगाते हैं वो मेरा क्या हो जाता है? सेकेंडरी साइड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा ट्रांसफार्मर होता है इसका कोर किस चीज से बना होता है? सिलिकॉन स्टील से होता है बना हुआ। हम लोग जनरली कौन सा यूज करते हैं? CRGO स्टील यूज करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब मेरा मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्शन में मेरा इसका परमिएबिलिटी जो होता है वो हाई होता है, परमिएबिलिटी जो होता है मेरा वो हाई होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे, ये है मेरा शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाता है सिलिकॉन स्टील यूज करने में, कि हम लोग मोर देन 4% ऑफ सिलिकॉन नहीं यूज कर सकते वाइल फैब्रिकेशन ऑफ स्टील। तो इसको हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या यूज करते हैं? लैमिनेशन यूज करते हैं। लैमिनेशन मतलब क्या होता है? ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक मेरा सपोज ये हो गया पार्ट, दूसरा पार्ट मेरा क्या हो गया? ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के फिर ऐसा ही वैरायटी ऑफ प्लेट्स को जोड़ते हुए उनको एक साथ कंबाइंड करके हम लोग क्या करते हैं? कोर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर मैं इसको बनाता हूं यहां पर इस तरह से, तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं लैमिनेटेड शीट्स। तो दो लैमिनेटेड शीट्स के बीच में, सपोज मेरा एक लैमिनेटेड शीट ये हो गया और दूसरा लैमिनेटेड शीट ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या देते हैं? हम लोग इंसुलेटर देते हैं, ठीक है। ये इंसुलेटर क्या क्या होता है मेरा? ये मेरा चाइना क्ले होता है, ये मेरा जापान वर्निश होता है, और ये मेरा इम्पेगमेंट पेपर होता है, पेपर। ज्यादातर हम लोग यही वाला इम्पेगमेंट पेपर का आजकल यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि इसको टाइटली उंड करने की क्या जरूरत है। तो टाइटली उंड नहीं करेंगे तो
तो क्या होगा हमारा, मेरा मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ जाएगा तो मेरा पावर फैक्टर क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरा कोर टाइप और शेल टाइप में। तो अगर हम इसको डिफरेंस वाइज देखें तो मेरा जो कोर टाइप है और जो मेरा शेल टाइप है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें कॉपर ज्यादा यूज होता है, इसमें कॉपर कम यूज होता है, मतलब वाइंडिंग के केस में मैं बोल रहा हूं। दूसरी चीज, इसमें आर वाइंडिंग ज्यादा होता है, इसका आर वाइंडिंग कम होता है, इसका हम लोग लो करंट हाई वोल्टेज में यूज करते हैं, इसका हम लोग लो वोल्टेज हाई करंट में यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, इट एज अ एक्ट्स एज अ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक और चीज, वो था मेरा इंटरलेफ्ट वाइंडिंग्स, इंटरलीव्ड वाइंडिंग्स। तो वो कैसा था, ये मेरा सपोज कोर है ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर इंसुलेशन का देते हैं, फिर हम लोग यहां पर क्या देते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग देते हैं, फिर हम लोग यहां पर एक लेयर इंसुलेशन का रैप करते हैं, फिर हम लोग क्या देते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि लो वोल्टेज वाइंडिंग नियर द कोर इसलिए होता है क्योंकि दैट इज यूज फॉर कॉस्ट कटिंग ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड। जो लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए इंसुलेशन मटेरियल का कॉस्ट होगा वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नजदीक रैप करते हैं। फिर हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि इन केस ऑफ टैपिंग ट्रांसफार्मर, हमारा नंबर ऑफ टैपिंग्स जो मिलेगा हाई वोल्टेज पे उसके अक्रॉस वोल्टेज वेरिएशन ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू लो वोल्टेज वाइंडिंग्स, इसीलिए हम लोग इस तरह का यूज करते हैं। एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि सपोज ये मेरा वाइंडिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, ये मेरा इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। हम लोगों ने देखा था कि अगर यहां से करंट आउटवर्ड के डायरेक्शन में आ रहा है और यहां इन जा रहा है, सिमिलरली यहां पर अगर आउटवर्ड आ रहा है और यहां पर इन जा रहा है, तो मेरा फोर्स जो इस साइड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और फोर्स जो मेरा इस साइड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या है, एक रिपल्सिव फोर्स है, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से मेरा वाइंडिंग्स जो है इस पर फिक्स्ड स्टैटिक नहीं रह पाएगा, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइटली रैप करते हैं, यही रीजन है इन वाइंडिंग्स को टाइटली रैप करने का। तो चलिए अब देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के केसेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला जो होता है, इट शुड हैव जीरो रिलक्टेंस और इन्फेनाइट परमिएबिलिटी। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जीरो रिलक्टेंस का मतलब होता है कि मेरा जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होगा तो क्या होगा, मेरा पावर फैक्टर जो होगा वो इंप्रूव होगा। ठीक है, अब आते हैं इन्फिनाइट परमिएबिलिटी पे। अगर मेरा म्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इक्वल टू नहीं, म्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, वी विल नीड नो एक्साइटेशन
टू जनरेट फ्लक्स इनसाइड कोर, मतलब कि हम लोगों को कोई भी वोल्टेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे कोर में फ्लक्स को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जीरो रिलक्टेंस का मतलब है कि मेरा जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो जीरो होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो होगा तो मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। और इनफिनाइट परमेबिलिटी का मतलब है वी विल नीड नो एक्साइटेशन टू जनरेट फ्लक्स इनसाइड आवर कोर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो कोर लॉस होगा वो जीरो होगा। तो कोर लॉस के अंदर आता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। ठीक है, मेरा हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या होता है ये हम लोग और आगे चलेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको, अभी के लिए बस याद रखिए कि कोर लॉस में मेरा हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस आता है और वो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जीरो होता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज जीरो। तो रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज जीरो का मतलब है कि मेरा जो कॉपर लॉस होगा, सीयू लॉस जो होगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सीयू लॉस के अंदर क्या आता है मेरा, आई स्क्वायर आर लॉस। सिंस आर इज जीरो सो माई लॉस विल ऑल्सो बिकम जीरो। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, मेरा जो लीकेज फ्लक्स है वो जीरो होगा। लीकेज फ्लक्स जीरो का मतलब क्या है, मेरा जो भी फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक है, जो भी फ्लक्स मेरा प्राइमरी के साथ लिंक्ड है, सेम फ्लक्स मेरा क्या होगा, सेकेंडरी के साथ भी लिंक्ड होगा। तो मेरा प्राइमरी फ्लक्स इक्वल्स टू सेकेंडरी फ्लक्स होगा, मतलब कि जो मेरा V1 बाय V2 का रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, विच विल बी इक्वल्स टू N1 बाय N2। ये हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स का क्या मतलब है कि मेरा जो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो सेम होगा, किसी भी तरह का मेरा फ्लक्स एयर के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटाइजिंग कर्व जो होगा मस्ट बी लीनियर। इसका क्या मतलब है कि बी मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू एच। ठीक है, इससे हमें यह भी समझने को मिलता है कि मेरा किसी भी तरह का कोर में सैचुरेशन नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कर्व मस्ट बी लीनियर का मतलब है कि मेरा B मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स H, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि मेरा कोर में किसी भी तरह का सैचुरेशन नहीं होगा। ठीक ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे या हम लोग इन assumptions को हटाएंगे। ये assumptions है, ये अगर ट्रू होंगे तो मेरा ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, आइडियल होगा। तो अगर हम एक एक करके इन सभी assumptions को हटा देते हैं तो जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मर आएगा दैट विल बी अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे एक एक करके इन सभी assumptions को हटा सकते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, जो मेरा इनफाइनाइट परमिएबिलिटी था, अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो क्या है, फाइनाइट परमिएबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फाइनाइट परमिएबिलिटी का मतलब है कि हम लोग एक करंट एज्यूम करेंगे मेरा आई म्यू जो होगा मेरा वो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। ठीक है, अब ये फिगर को हम लोग देखते हैं ध्यान से। ठीक है, इस साइड मेरा वोल्टेज लगा हुआ है, मतलब ये साइड मेरा क्या हो गया, प्राइमरी साइड हो गया। अब हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि इससे करंट आई म्यू फ्लो कर रहा है, तो ये मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करेगा, एक फ्लक्स को सेटअप करेगा। अब आते हैं बात
टर्न्स पे, तो हम लोग प्राइमरी में अज्यूम करेंगे N1 टर्न्स है, सेकेंडरी में N2 टर्न्स है, और ये E1 और E2 जो है मेरा वो इंड्यूस्ड EMF है। और हम लोग मान लेते हैं कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है F है, या ओमेगा कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके एक इक्वेशन पे हम लोग आएंगे, जो कि मेरा वोल्टेज या इंड्यूस्ड वोल्टेज का इक्वेशन होगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सपोज आई म्यू इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर आई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, ओमेगा इज योर फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड इट इज गिवन एज साइन फंक्शन। तो नाउ माय मैग्नेटोमोटिव फोर्स F1 विल बी इक्वल्स टू N1 इंटू आई म्यू, विच विल बी इक्वल्स टू N1 आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहां तक? मेरा जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू N1 इंटू आई। अब आते हैं बात फ्लक्स पे, तो phi विल बी इक्वल्स टू F by R, वेयर F इज योर MMF एंड R इज योर रिलक्टेंस। सपोज ये मेरा आता है समथिंग इन द फॉर्म ऑफ phi M साइन ओमेगा T, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, वेयर phi M इज योर मैक्सिमम फ्लक्स। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ बाय लेंज लॉ मेरा EMF क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल्स टू माइनस d phi by dt इंटू टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल। तो सपोज हम यहां पर निकालते हैं E1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस d phi by dt, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा मेरे पास, phi m ओमेगा cos ओमेगा t इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल। तो इसको अगर हम लोग सही से अरेंज करके लिखें तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा N1 ओमेगा phi m साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू E1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कुछ चीजों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे पहली बात तो आते हैं E1 पे। E1 जो है मेरा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पर मैक्सिमम वैल्यू लेके ही चल रहे हैं। दूसरी चीज जो नोट करने वाली है कि मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो क्या करता है, लैग करता है बाय पाई बाय टू, किससे, हमारा फ्लक्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान लीजिए कि जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लैग कर रहा है मेरे फ्लक्स से पाई बाय टू से। यही हम लोग यूज करेंगे फेजर को ड्रॉ करने में, ठीक ना। तो अब आ जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 ओमेगा phi m। अब अगर हम इसका RMS वैल्यू निकाले तो E1 RMS दिस विल बी इक्वल्स टू E1 बाय मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट टू, सो दिस विल बी इक्वल्स टू N1 ओमेगा phi m बाय रूट टू। अब हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा को 2πf लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N1 इंटू 2πf इंटू phi मैक्सिमम बाय रूट टू। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E1 RMS का वैल्यू रूट 2πf N1 phi m, ठीक है।
या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4.4 n1 φm into f। ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड फ्लक्स वेयर n1 इज योर टर्न ऑफ द कॉइल, फाई इज योर मैक्सिमम फ्लक्स एंड एफ इज योर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, E2 RMS भी निकाल सकते हैं। वो मेरा क्या हो जाएगा, √2πf। n1 की जगह क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा φm, और दिस इज इक्वल टू 4.44 n2 φm into f। यहां तक बात समझ में आई सभी को, हमारा E2 भी निकल आया। ठीक है, अब आते हैं बात E2 RMS upon E1 RMS की। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, N2 by N1 आ जाएगा। देखिए दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, N2 by N1 आ जाएगा। दिस इज नोन एज टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो। ठीक है, ये वाला हम लोग याद रखेंगे और हम लोग इसको याद रखेंगे। बात समझ में आई। तो हम लोगों ने क्या देखा, मेरा E2 RMS upon E1 RMS जो होता है मेरा N2 by N1 होता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू K, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब आते हैं बात स्टेप अप और स्टेप डाउन के सेंस में, कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, मतलब E2 is greater than E1। इससे हमें क्या पता चलता है कि मेरा N2 will be greater than N1। अब आते हैं बात स्टेप डाउन के लिए, तो E2 is less than E1, तो मेरा क्या पता चलता है हमें कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा, जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर लिखे तो ERMS इज इक्वल्स टू 4.44 into f into n into φm। ठीक है, अगर ये मेरा 1 होगा तो यहां n 1 हो जाएगा, अगर ये मेरा 2 होगा तो यहां 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइ को हम लोग तोड़ेंगे बी इंटू ए के फॉर्म में। तो अब हमें इससे मिलेगा कि बी मैक्स जो मेरा होगा, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू ई बाई एफ, और से बी मैक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेम्बर। जब हम लोग हिस्टेरेसिस और एडी करंट पढ़ेंगे या ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नोट करते हैं एक दो पॉइंट्स। सबसे पहली चीज जो है मेरी कि मेरा जो है मैग्नेटाइजिंग करंट यूजलेस है, हमें I μ की उतनी जरूरत नहीं है। वी डोंट वॉन्ट I μ, हमें मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इट लोअर्स आर पावर फैक्टर। हमारा पावर फैक्टर ये क्या करता है, लोअर कर देता है। एंड वी नो दैट पावर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक जनरेशन। तो हम लोग यहां से एक बात और कर सकते हैं कि KVA रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी।
केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हमें यहां से ये भी पता चलता है। अब आते हैं बात फेजर डायग्राम की, ठीक है। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं, अभी तक का जो सिनेरियो है हमने जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा कुछ होगा, परमेबिलिटी हमारी इंफिनिटी नहीं होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट कुछ होगा, तो उससे हम लोग कैसे फेजर डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स लेंगे फाई एम, फ्लक्स लेंगे। अब जो मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट है वही तो मेरा फ्लक्स इंड्यूस कर रहा है, तो मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम फेज में हो जाएगा। बात समझ में आई, मेरा जो फ्लक्स है वो किस वजह से आ रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से आ रहा है, तो मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम फेज में हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, फ्लक्स को पाई बाय टू से लैग करेगा, फ्लक्स को क्या करेगा, पाई बाय टू से लैग करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम लोग बना देंगे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ से ई1। यहां तक बात समझ में आई, अब आते हैं ई2 के बारे में। तो ई2 और ई1 जो होगा दोनों मेरा क्या होगा, सेम फेज में होगा, तो समवेयर अराउंड यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, ई2। मान लेते हैं अभी के लिए ये मेरा कितना होना चाहिए, पाई बाय टू होना चाहिए। ये हम लोग अगर देखें तो एंगल हमने इस डायरेक्शन में नापा है, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो माइनस पाई बाय टू मतलब मेरा लैगिंग इन नेचर होगा। अब आते हैं बात वोल्टेज पे, तो V1 जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाय लेंज लॉ V1 विल बी इक्वल्स टू माइनस E1 बाय लेंज लॉ। तो मेरा V1 क्या कहां जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फेजर डायग्राम बना जब हमने केस लिया है कि मेरा जो है म्यू है दैट इज नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब म्यू क्या है मेरा, लार्ज है बट फाइनाइट वैल्यू है। तो हमारे पास जो फेजर आता है वो ये आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि बाकी के जो एजम्पशंस हम लोगों ने लिए हैं उनको कैसे हम लोग एक एक करके डिस्कार्ड करते हैं और हमारे फेजर में क्या क्या अंतर आता है, ठीक है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।